दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपको इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज के इस वीडियो में जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानने वाले हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करता है। और यहाँ से लोन लेने के लिए आपको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको फॉलो नहीं करना होगा। कम से कम समय में कम से कम जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इंस्टेंट लोन आप ले सकेंगे। वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ, बस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। और अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत हो, चाहे आप मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो है लोन ले रहे हैं, या फिर वेडिंग के लिए, या फिर वैकेशन के लिए, या फिर किसी भी ज़रूरत के लिए अगर आपको इंस्टेंट पैसों की ज़रूरत होती है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। साथ में अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी तो आप कहीं भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडसेट बुक में। माइंडसेट बुक आपको हमेशा से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जब कभी भी इस चैनल के ऊपर आपके लिए कोई नई वीडियो पब्लिश हो, आपको उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए और आप उस वीडियो को इंस्टेंटली वॉच कर पाएँ। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अगर आपको इमरजेंसी में अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई कर सकते हैं। ये एक रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड लोन सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको मैक्सिमम लोन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर प्रोवाइड करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आगे ऊपर डिपेंड करता है, वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लोन लेने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है आपका सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए। सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए हमेशा, तभी आपको मैक्सिमम लोन मिल पाएगा। और लास्ट 3 ईयर्स में अगर आपने कोई ईएमआई अपना टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया है तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। तो सिविल स्कोर में निगेटिव इम्पैक्ट अगर दिखता है तो लोन अप्लाई मत करें फिलहाल अभी। साथ ही आपकी एज कम से कम 21 ईयर प्लस होनी चाहिए। अगर आप एक सैलरी प्रोफेशनल हैं लोन आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सैलरी रेंज जो है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो पॉसिबल है लोन आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका इनकम का जो पैरामीटर है वो भी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप एक भारतीय हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है अपलोड करने के लिए जिसमें आपका अच्छा खासा ट्रांजेक्शन आप शो कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी तरीके से मैं इस वीडियो में प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिटेल, ताकि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो इस ऑर्गेनाइजेशन में लोन अप्लाई कर सकें, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, और साथ में लोन कैसे लेना है वो भी हम समझते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं लोन एक्टिविटी, और लोन एक्टिविटी के साथ अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको इंस्टेंट लोन आसानी से मिल जाएगा। ये कंपनी आपको 50,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन 20 लाख बहुत ही रेयर केस में आपको मिल सकता है अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। साथ में उसके लिए हो सकता है आपको सिक्योरिटी भी देना पड़े, लेकिन छोटे लोन के लिए आपको आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी ये पॉसिबल है। ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जो लोन का टेन्योर मिलता है वो 5 ईयर्स का रहता है, यानी 60 मंथ, और कम से कम 1 ईयर में भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए ईएमआई का टूल है, चाहे आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हों, चाहे आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हों, आप इंस्टेंटली लोन यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो इनकम है वो कम से कम 20,000 रुपीज़ होनी चाहिए अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं। साथ में आपका जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो है डिटेल होना चाहिए, जो कम से कम ग्रेजुएट अगर आप हैं तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में लोन अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो कम से कम 21 ईयर, मैक्सिमम 58 ईयर्स तक है, तो लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सैलरीड पर्सन है तो आपका जो करंट जॉब है वो कम से कम 1 ईयर पुराना होना चाहिए जिस सिटी में आप रह रहे हैं, और साथ में वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। साथ में अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका जो बिज़नेस है वो कम से कम 3 ईयर्स पुराना होना चाहिए, और आपका जो इनकम है वो कम से कम 30,000 रुपीज़ पर मंथ का होना चाहिए, तभी आप लोन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट आप यहाँ पर होने चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए।
डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ले तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नहीं देना होगा। अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम आपका 11% और मैक्सिमम 24% के सालाना इंटरेस्ट के ऊपर लेने के लिए आपको इंस्टेंट लोन यहाँ पे मिल जाता है। आइए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझने से पहले यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर से समझते हैं कि आपको लोन का ईएमआई क्या जो है देना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है। लोन का जो इंटरेस्ट है वो 11% अप टू 11% तक जो है रखा हुआ है। यहाँ पे कर्सर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और लोन का जो टेन्योर है वो 3 ईयर्स का हमने यहाँ पे देख रखा है। 3 साल के लिए 5 लाख का लोन 11% के ऊपर लेते हैं तो आपको हर महीने 16,310 रुपये पे करने होंगे 3 साल के लिए, जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अप टू 11% का जो है आएगा। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया 87,168 रुपये। अगर इसको हम थोड़ा और बढ़ा दें और यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए कर दें तो आपका जो लोन का ईएमआई आएगा वो 10,809 रुपये आएगा। हालांकि 5 लाख के लोन के ऊपर आपको बहुत ही मैक्सिमम लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। स्क्रीन के ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास आप पे कर रहे हैं। उतना ही कम यहाँ पे टेन्योर रखिएगा उतना ही कम आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, ये फ्लैक्चुएट भी होगा। आइए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम फी और चार्जेस भी देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें देनी होगी। बाद तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, देना होगा यानी कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जिसमें कि आप यूटिलिटी बिल जो है दे सकते हैं, साथ में आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का यहाँ पे देना होगा ताकि आपका जो भी इनकम है वो एनालाइज किया जा सके। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपको 3 महीने का सैलरी स्लिप भी देना होगा ताकि आप लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो कुछ इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले सकते हैं। चार्जेज में जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो अप टू 11% का इनिशियल है। ये 8% का कम से कम इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। मैक्सिमम आपका ये इंटरेस्ट 36% भी जा सकता है या फिर इसके बीच में भी रह सकता है, तो डिपेंड करता है आपका क्रेडिट बिहेवियर के ऊपर, क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर। साथ में प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो है 2.5% जो भी लोन अमाउंट आप लेते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 5% है और इसके बाद आपका अलग अलग चार्जेस भी हैं यहाँ पे। अगर आप अपने लोन का फोर्स क्लोजर करते हैं तो भी आपको यहाँ पे करना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी भी आपको पे करना होता है जो कि अप टू 5% का होता है। तो जब आप लोन यहाँ पे अप्लाई करिए तो ये देख लीजिए कि आपको लोन से पहले किसी भी तरीके का भुगतान करना है। लेते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जैसा कि देख पा रहे हैं हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे थे कोटक महिंद्रा इंस्टेंट लोन के बारे में। आप कोटक महिंद्रा वेबसाइट के ऊपर भी जाकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेरी बॉक्स बस आपको फिल करना होगा, इनके तरफ से ये कॉल आपको खुद करेंगे और फिर आपको लोन का प्रोसीजर बताएंगे। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी कोटक महिंद्रा बैंक में भी विजिट कर सकते हैं और अगर आप कैपेबल होंगे, एलिजिबल होंगे तो आपको इंस्टेंट लोन वहाँ पे भी ज़रूर मिल जाएगा। तो ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि जब कभी फ्यूचर में आपको इंस्टेंट पैसों की ज़रूरत हो आप बताई गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। संबंधित किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप मुझे नीचे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।